शिक्षा अभियान में लगी हुई हैं। अच्छी बात है, पढ़ाई लिखाई तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ना, पहले हमारी गोपी बहू ने घर में प्राइवेट ट्यूशन लगवाए, अर्चना भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लग गई, और तो और अब हमारी जो गीत है उन्होंने सोच लिया है कि अब वो टीचर बनकर लोगों में शिक्षा की तरफ जागृति बढ़ाएंगी। वेरी गुड थॉट गीत, लेकिन आप ये बोरियत हटाने के लिए कर रही हैं या फिर पैसे कमाने के लिए? खैर, आप जिस लिए भी कर रही हैं, वे टू गो। अब इसे मजबूरी ना कहे तो क्या कहे, जिसने मिसेज मान सिंह खुराना यानी कि गीत को बना दिया है एक स्कूल टीचर, जिसके चलते वो छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को आ ई ई का पाठ करा रही है। टू द महल ऑफ द ताज, टू द मिनर ऑफ कुटो, टू द कुमरी ऑफ कन्या, टू द वैंजिम ऑफ कुमार। गीत सीरियसली कुछ कर रही हो? और गीत के मान सिंह खुराना उनका दीदार ना करे, ऐसा भी कभी हो सकता है? और दीदार करते करते उनकी गीत उन्हें पकड़े ना, फिर उन दोनों के बीच में खट्टी मीठी टकरार ना हो, ऐसा भी कभी हो सकता है? नहीं ना, तो बस हुआ भी कुछ ऐसा ही। गीत बच्चों को पढ़ा रही थी, मान उधर आ जाता है और मान को मस्ती सुस्ती है, और जब गीत पूछती है कि ग से क्या होता है तो वो खुद गीत बोलता है मान, और बच्चों के बीच में बैठ जाता है और मस्ती करने लगता है। अब क्या था, प्यार में जब इंसान आ जाता है तो पढ़ाई लिखाई ना तो होती है और ना ही करने देता है। ये पाठशाला बेसिकली मान की थी, जो वो समझ नहीं, अभी उनको सजा मिलेगी, देख लेना। सजा का तो पता नहीं गी, फिर इस बात का जरूर पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी गरीबी आ जाए, आप दोनों की प्यार की पाठशाला कभी खत्म नहीं होती। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, मैं तेरे सामने, तू मेरे सामने, दोनों के बीच है मीलों की दूरियां, धक धक दे बोले तेरा छम छम मेरी चूड़ियां। गरीबों वाले दिन भी मान गीत बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। कर लीजिए मान, कर लीजिए अपने ये गरीबी वाले दिन एंजॉय कर ही लीजिए। आप दोनों की इस प्यार भरी तकरार का नजारा तो वैसे भी अब कहाँ देखने मिलने वाला है, शो अब बहुत जल्द हम सबसे विदा जो लेने वाला है। हमने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? मुंबई से स्नेहा शर्मा की रिपोर्ट। सास बहू और साजिश में वक्त।